बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर आ रहा है कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी प्रकट होते हैं राम जी के अनुज के रूप में और उनको मिला क्या दुख। क्यों दुख, किस बात का? राम जी की तो लीलाओं में, सेवाओं में, लेकिन जिस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं कभी कभी ना राम जी रोक देते हैं। जैसे कई ऐसे प्रसंग आते हैं राम जी लीलाओं के अंदर जहां लक्ष्मण जी कुछ करना चाहते थे, राम जी को डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन राम जी कहा लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसा नहीं करते लक्ष्मण। ऐसा हुआ, कई बार हुआ। जैसे राम जी अगर पहुंचे जनक महाराज के महल में, जनक महाराज के महल में पहुंचे तो वहां पर जब जनक को डाउट हो गया कि भाई यहाँ इतने सारे मसल वाले लोग आए, कोई शिवजी का धनुष नहीं उठा पाया, ये सुकुमार कैसे उठाएंगे, इनको तो डोले शोले भी नहीं है, इनके तो ये कोमल से बच्चे हैं, ये शिवजी का धनुष उठाएंगे? इसको उठाने के लिए 500 क्षत्रिय लगते हैं और उठाने के बाद उनके वो बाम लगाते हैं, आयोडेक्स लगाते हैं, ये कैसे उठाएगा बच्चा, कैसे उठाएगा? तो लक्ष्मण को फिर वहां गुस्सा आ गया। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको पता है कौन है ये? श्री रामचंद्र है, ये रघुकुल शिरोमणि है, ये क्या शिवजी का धनुष क्या है, ये तो उसमें सुमेरु पर्वत को उठा के खचुमन निकाल दे उसका। तो राम जी ने बोला लक्ष्मण लक्ष्मण, तो लक्ष्मण ना वहां गुस्सा पी गए। ठीक है, राम जी ने बोला ठीक है ओके। वो नहीं चाहते थे वनवास, मतलब कौन हो सकता है कि लक्ष्मण के होते हुए राम जी का वनवास हो जाए। लक्ष्मण जी को बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, मेरे होते हुए कैसे वनवास हो गया, वो तो बोल के अपने पिताजी दशरथ को मार देना चाहते थे, कहता ये जोरू का गुलाम है इसको मार देते हैं इसको। तो उनको प्यार दिखे अपने पिता को तक को, ही इज रेडी टू किल लक्ष्मण। ये वो कैकी की बात सुनिए ना, कैकी को वचन देते हैं, वचन का क्या होता है, क्या होता है वचन, क्या होता है? राम वनवास के लिए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को ही जीने का कोई हक नहीं है। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं सोचते। ऐसे जब खरदूषण आए थे अपने 14,000 राक्षसों के साथ, उस वक्त उनकी लक्ष्मण जी की इच्छा थी, बोले राम जी आप सीता मेरे साथ अंदर चले जाइए, तो मैं देख लूंगा, कुछ नहीं है, मकोड़े हैं, मसल दूंगा सबको एक साथ। राम जी का नहीं लक्ष्मण, तुम भाभी को अंदर लेकर के जाओ। भाभी को अंदर लेके जाने की इसलिए बात हुई, रीजन बीइंग भाभी ने बोला हुआ, सीता मैया ने बोला भाई क्यों मारते हो राक्षसों को, उनको बोल दिया करो भाई आप अपने रास्ते जाइए, हम यहाँ चले जाते हैं, ठीक है आप चले जाओ यहाँ से। सीता मैया इज वेरी कंपैशनेट, लेकिन क्या करे, राक्षसों का कल्याण भी तो करना है। तो इसीलिए राम जी ने बोला लक्ष्मण तुम जाओ अंदर। कहते भैया लेकिन लक्ष्मण भाभी को लेके जाओ। लक्ष्मण वहां भी उसका हरे खरदूषण और 14,000 राक्षसों को भगवान राम जी ने ऐसा मलिदा निकाला उनका। ऐसे राम जी ने जो है अपने पाँव को रखा, एक पाँव को रखा एक पत्थर के ऊपर और एक पाँव नीचे था, और फिर तीर निकालना, धनुष पे चढ़ाना और वो छोड़ना, ये इतना फास्ट होता था कि कोई देख नहीं पाता था इसको। इसलिए जब राम जी ने तीर छोड़े तो राम जी का तीर निकाल के छोड़ना ये राक्षस ही देख पाया, तीरों की बौछार है लेकिन कहाँ से हो रही कुछ नहीं पता, और आकाश से कहीं से टांग गिरती थी, कहीं से हाथ गिरता था, कहीं से सर गिरता था, कहीं से धड़ गिरता था, झमझम झमझम बारिश हो रही थी। 14,000 राक्षसों को थोड़े समय में राम जी ने निपटा दिया, लेकिन लक्ष्मण अंदर सोचते रहे भाभी के साथ है लेकिन मैं बाहर होता तो हमें सेवा करनी चाहिए राम जी की, और राम जी ने हाँ हमें बिठाया हुआ है। तो इसलिए दुख जब सीता मैया का किडनैपिंग भी हुई उसके बाद भी वहां भी उनको डांट ही पड़ी राम जी से, क्या तुम सीता को छोड़ करके आ गए, क्या बताऊं भैया उन्होंने कसम दे दी थी, आरोप लगा दिया हमारे ऊपर, एक तरह से सीता मैया ने आरोप लगाया और दूसरी तरफ से राम जी से डांट ही पड़ रही है। तो इसलिए लक्ष्मण जी के बारे में जो प्यार आ रहा है वो ये आ रहा है कि लक्ष्मण जी का जो हृदय के अंदर असंतोष था। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाए सुख दुख सहेन लक्ष्मण। भगवान राम के कार्यकलाप दुख से भरे थे किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुख को सहन किया, उसे विरह की भावना भी है और विरह की भावना को देख रहे हैं लक्ष्मण के साथ साथ में जो करना चाहते हैं राम बोलते लक्ष्मण लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने सोच लिया भाई छोटा भाई बन के आओ ना, दिक्कत होती है, अगली बार बड़ा भाई बनेंगे। जिससे जब कृष्ण लीला में जब आए लक्ष्मण तो बलराम जी के रूप में आते हैं, तो बलराम जी के तो आप तो बड़े भाई हैं, नाउ ही इज फ्री टू सर्व, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन यहां पर अब दिक्कत यह है कि अब कृष्ण देखते हैं कि बलराम जी बड़े हैं, उनसे हम सेवा कैसे ले सकते हैं, तो बड़े हैं तो कभी कभी वृंदावन के फॉरेस्ट में भी अगर बलराम जी के साथ हैं तो वहां पर जितने भी पेड़ इत्यादि हैं वो झुक जाते हैं अपने फलों को ऑफर करने के लिए कृष्ण बलराम को। और उस वक्त कृष्ण कहते हैं देखिए सारे पेड़ झुक गए हैं, मानो बलराम जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सारे सखाओं के आगे बलराम जी का गुणगान करते हैं, बड़े भैया हैं, गुणगान किसको करना चाहिए, छोटे को बड़ा करना चाहिए। तो जब लक्ष्मण के रूप में आए थे तो उस वक्त को करने नहीं दिया, अब जो बड़े भाई बन करके आए हैं भाई हम करेंगे, हम छोटे हैं ना। तो बलराम जी देख रहे हैं ये अब छोटा होकर क्या, अब ये मेरा गुणगान कर देता है। जब छोटे एकदम टॉडलर, तो जहां जहां बलराम जी जाते हैं क्रॉलिंग करते हुए पीछे पीछे कृष्ण भी आते हैं, तो जहां जहां बलराम वहां वहां कृष्ण। और क्योंकि बलराम जी जो है इस गुरु तत्व,
तो जहां जहां गुरु की कृपा जाएगी वहां वहां कृष्ण कृपा जाएगी। तो यानी कृष्ण कृपा इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ गुरु कृपा, लेकिन जहां जहां बलराम पीछे पीछे कृष्ण, ये भी बड़ी दिक्कत है जी, क्या किया जाए। ऐसे कालिया ने जब कृष्ण अपनी कुंडली में ले लिया, कुंडली में लिया और कृष्ण जो है तो वहां इंतजार ही कर रहे हैं, देखें जो ब्रजवासी आएंगे तो कुछ एक्शन शुरू करेंगे, और कुंडली मार कर कालिया बोल रहे अरे कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्या हो गया। लेकिन कालिया ये सोचता कि इतने सुंदर हैं ये व्यक्ति, इसको मैंने कुंडली मार के अपने में रखा तो हुआ है लेकिन इतना सुंदर व्यक्ति है, तो ये मेरा कुंडली मारना वास्तव में इनका आलिंगन करना है, और जो व्यक्ति पास होता है वही तो देगा ना, अब मेरे पास तो जहर ही है मैं क्या करूं। तो डस्ट भी आता बट दैट वाज लाइक किसिंग ऑफ कालिया टू कृष्णा, कृष्णा यू आर सो स्वीट, तुम कुछ नहीं कर क्यों नहीं रहे हो, कृष्ण कुंडली में तो है कुछ कर भी नहीं रहे, और आंख खोल के देखें ब्रजवासी आए नहीं आए, अभी अभी नहीं आए, जब ब्रजवासी आ गए, हाँ ब्रजवासी तो आ गए, गोपियां गोपियां तो आई नहीं अभी, ठीक है अभी थोड़ा और रुकते हैं, जैसे गोपियां आ गया था चलो अब शुरू करते हैं। उसके बाद फिर कृष्ण ने कालिया का कल्याण किया, सब जानती हैं, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगी लीला के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर कालिया कल्याण भी किया, उसके जो हुड थे उनके ऊपर जो फन थे उसके ऊपर भगवान कृष्ण नृत्य भी किया, इतना सुंदर नृत्य किया, अद्भुत नृत्य किया, व्हाट अ डांसर कृष्णा इज। जितने लोग भी डांसिंग करते हैं ना वो स्टेबल स्टेज पे तो डांस कर लेते हैं, हिलते हुए स्टेज पे कोई डांसिंग कर सकता, आपको ऐसा नहीं यहाँ को स्टेज लगा दो उसे पेच निकाल दो उसके तो स्टेज आपको ऐसे हिलता रहेगा, तो डांसर कहेगा जी पहले आप इसको फिक्स करिए हम डांस बाद में करेंगे, हिलते हुए स्टेज पर डांस करता है, और मल्टीपल स्टेज पे एक डांस एक स्टेज दूसरा स्टेज ये स्टेज ना से हिलता हुआ स्टेज डिफरेंट डिफरेंट स्टेज, स्लिपरी स्टेज, स्टेज हो उस पर आप तेल बिछा दो साबुन वाला पानी डाल दो कहते लोड कर लो डांस के ऊपर, हो गया डांस मारा भाई, स्लिपरी स्टेज भी है, एंड कृष्णा वॉज डांसिंग ऑन द हुड्स ऑफ कालिया। अब ये देख करके ना बलराम जी खड़े हुए और देख रहे वाह क्या वाह, मतलब ये चाइना ब्रांड कालिया इसके फन के ऊपर आप डांस कर रहे हैं, यू आर हैविंग फन ऑन हिज फन, वाह बढ़िया है, हम भी तो आनंद शेष हैं, एक बार हम ही को मौका दे दिया, हमको मौका दिया, और ये चाइना ब्रांड ये थर्ड क्लास कालिया इसको इसको मौका दिया है। तो बलराम जी के अंदर थोड़ा सा असंतोष था, कहते तो हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते, मुझको लगा था बड़ा भाई बन के आऊंगा ना तो सेवा करनी हमारी हमारी दादागिरी होगी हमारी, सो नो डाउट लक्ष्मण के कंपेरिजन में तो बलराम जी को कहीं सेवा करने के मौके मिले, इज ऑलवेज देयर विद कृष्णा नो डाउट, लेकिन फिर भी ना ऐसे कई मौके थे जहां पर कि कृष्ण को इनसे कृष्ण ने सेवा नहीं ली बलराम जी से, तो उनके मन के इस असंतोष को जानते हुए भगवान उनको मौका दिया, ठीक है ओके आनंद शेष तुम्हारे अंदर असंतोष है ठीक है ओके तुम करेंगे नित्य करेंगे। सेम कावेरी ने भी रिक्वेस्ट की कि यमुना कितनी सौभाग्यशाली है कि आपने उसमें कितना विहार किया, आपने नृत्य भी किया काले के ऊपर उसी यमुना के अंदर, हमने क्या बिगाड़ा, हम भी तो आपकी पत्नी हैं, पास में जितनी नदियां हैं इन देयर पर्सोनिफिकेशन दे आर वाइव्स ऑफ कृष्णा, पद्म पुराण के अंदर दिया गया जितनी भी नदियां हैं भगवान की पत्नियां हैं, तो यमुना जो है वो तो बड़ी प्रिय आपको, चलो कालिंदी हो गई बहुत अच्छी बात है, तो हमने क्या बिगाड़ा है, हम इतने बुरे हैं कि आप हमारे में विहार नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है दोनों की इच्छा पूरी करते हैं, तो भगवान ने कहा आनंद शेष चलो तुम्हारे ऊपर मैं वैसे ही नृत्य करूंगा जैसे मैंने कालिया के फन के ऊपर किया था, तो भगवान ने उनके भी फन के ऊपर नृत्य किया और कहां किया कावेरी में किया, तो कावेरी को भी संतुष्ट किया बलराम जी को भी संतुष्ट किया, लेकिन बलराम जी ने हालांकि अपनी इच्छा को पूरा किया लेकिन कुछ ना कुछ इच्छाएं फिर भी रह जाती है भक्ति, अनंत शेष का मतलब है जो अनंत रूप से सेवा कर दे फिर उसके बाद जो शेष बच जाए वो सेवा भी कर दे दैट इज अनंत शेष, तो जो अनंत रूप से सेवा कर दे भगवान की उसके बाद जो शेष बच जाए वो भी कर दे दैट इज अनंत शेष। तो बलराम जी के अंदर सेवा करने की इतनी आतुरता है, इसलिए उनका नाम क्या है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉडहेड, जैसे कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड उस तरह से बलराम जी इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉडहेड, क्योंकि उनकी सेवा करने की इतनी आतुरता है, ऐसा कोई भक्त नहीं है जो कि पांचों रस में भगवान की सेवा करता हो, कोई एक रस में सेवा करता है, कोई शांत रस में सेवा कर सकता है जैसे प्रहलाद महाराज, कोई दास रस में सेवा करेगा जैसे हनुमान जी, तो कोई साखी रस में सेवा करेगा तो अर्जुन है सुबल सुदामा श्रीदामा वो सेवा कर लेंगे, माधुरी राम वासर रस में तो यशोदा मैया नंद महाराज वासुदेव देवकी कौशल्या दशरथ, और माधुरी रस की बात है तो श्रीमती राधा रानी सीता मैया, तो जितने भी हैं वो सबके सब एक रस में सेवा करते हैं, लेकिन आपको ऐसा व्यक्ति भी है जो कि पांचों रसों में सेवा करते हैं बलराम जी, जैसे भगवान का जो ऑल्टर है भगवान का जो ये गर्भगृह है ये वास्तव में बलराम जी का विस्तार माना जाता है, जो भगवान का धाम है वृंदावन धाम वो बलराम जी का विस्तार माना जाता है, तो कौन सा रस है शांत रस, शांत रस में वो सेवा कर रहे हैं, इसी प्रकार से वो दास रस में सेवा करते हैं बलराम जी एज गुरु, हमारे जो गुरुजन है वो बलराम जी का विस्तार माने जाते हैं, इस हमारे जीवन में बल देने वाले और आध्यात्मिक आनंद यानी राम देने वाले बलराम कौन देते हैं गुरुजन, इसलिए गुरुजन है कौन से रस में है
दासरस में, कि हम तो प्रभु के दास हैं। तो बलराम जी सेवा करते हैं गुरु के रूप में, तो दासरस में करते हैं सेवा। अच्छा, साखेरस में तो खैर बलराम जी हैंगे, वात्सल्य रस में ही इज ऑल्सो देयर एज बलराम एल्डरली ब्रदर, तो वात्सल्य रस साखेरस दोनों हो गए। माधुर्य रस यानी कि भगवान की प्रेमिका के रूप में, यस अनंग मंजरी, श्रीमती राधा रानी की सिस्टर है अनंग मंजरी, तो इतना ही गोपी है वो, और वो भी कृष्ण की सेवा करती है माधुर्य रस में। सो सारे रसों में बलराम जी सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन ना बलराम जी के रूप में आए तो भी दादागिरी पूरी नहीं दिखा पा रहे, कहते क्यों, क्योंकि भाई आप तो बड़े हैं बलराम जी, दाऊ जी आप तो बड़े हैं, थोड़ी बहुत ही सेवा ले पाते हैं उनसे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के रूप में जब आए, उन्होंने कहा भाई इस बार हम फैमिली कनेक्शन ही नहीं रखेंगे, ना हम तुम्हारे छोटा भाई ना हम तुम्हारा बड़ा भाई, अलग फैमिली। हड़ाई पंडित पद्मावती के यहाँ जन्म लेंगे, अलग फैमिली लेंगे, करें में जन्म लेंगे, प्रकट होंगे, और फिर जो करना है करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे। हमेशा सेवा में रिस्ट्रिक्शन, छोटा भाई तो ये रिस्ट्रिक्शन, बड़ा भाई तो वो रिस्ट्रिक्शन, फैमिली अलग। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के रूप में जब वो आते हैं, देन ही फुलफिल्स हिज डिजायर टू सर्व कृष्ण कंप्लीटली। और जिस तरह से लक्ष्मण राम जी की सेवा करते हैं, हमेशा उनके नित्य संगी रूप में रहते हैं, उसी प्रकार से बलराम जी हैं, वो भी कृष्ण की सेवा करते हैं, हमेशा नित्य संगी के रूप में रहेंगे, चाहे वो वृंदावन की लीलाएं हो, मथुरा की लीलाएं हो, द्वारका की लीलाएं हो, पर बलराम जी हमेशा साथ में हैं। यस, इधर बलराम जी जब महाभारत के समय में तीर्थ यात्रा में चले गए थे, सारे तीर्थों में गए लेकिन जगन्नाथपुरी में नहीं गए, क्यों? उन्होंने देखा कि ना यहाँ मेरी भी पूजा हो रही है कृष्ण के साथ, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो बलराम जी के रूप में भी आते तो हमेशा कृष्ण के साथ रहते, इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के साथ भी हमेशा रहेंगे श्री गौरंग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, तो हमेशा उनके साथ रहते हैं और खुल के उनकी सेवा करते हैं। जब कभी संकीर्तन होगा, नित्यानंद प्रभु टेक्स केयर ऑफ वन एंटायर मंडली, और साथ ही गौरंग महाप्रभु उनसे बहुत खुश होते हैं, और नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, और उनके स्वभाव को देख करके महाप्रभु को बहुत आनंद आता है। ही वॉन्ट्स टू वर्शिप लॉर्ड नित्यानंद, कि मेरे से इतना प्रेम करते हैं नित्यानंद। नित्यानंद का मतलब जो हमेशा नित्य आनंद में है, वो है नित्यानंद। और ये हम भी हैं नित्य मंद, इसलिए हमको चाहिए कृपा किसकी? नित्यानंद। तो जो लोग हैं मिथ्यानंद में, उनको कौन चाहिए? नित्यानंद। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जो कि अक्रोध है, बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होते, परमानंद। लक्ष्मण के रूप में भी क्रोध दिखाते हैं, बलराम जी के रूप में भी क्रोध दिखाते हैं, लेकिन जैसे नित्यानंद प्रभु के रूप में आए क्रोध नहीं दिखाते। एंड ही इज पोजेसिव लवर ऑफ द लॉर्ड, पोजेसिव लवर है। जैसे शची माता को ना एक स्वप्न आया, स्वप्न क्या आया कि आसने बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ है बलराम जी भी हैं। सो नित्यानंद प्रभु आते हैं महाप्रभु के साथ, और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं चलो भाई चलो सिंहासन खाली करो, द्वापर का टाइम ओवर हो गया, अब कलयुग आ गया है, ठीक है ना, तो अब लोग हटो, अब महाप्रभु बैठेंगे उस आसन के ऊपर। तो बलराम जी ने कहा ऐसा कैसे क्या, तुम लोगों का टाइम आप द्वापर युग फिनिश, अब हमारा ब्राह्मणों का टाइम आ गया, अब गौर लेता है। बलराम जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कृष्ण परम भगवान है। कहता है महाप्रभु परम भगवान है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु की बलराम जी का युद्ध हुआ, दोनों एक ही वैसे, नित्यानंद प्रभु का बलराम जी का युद्ध हुआ, और नित्यानंद प्रभु ने बलराम जी को पटक दिया। कहता हो गया जी डिसाइडेड, आप कौन, किसका रूल होगा, किसका चलेगा राज। उसके बाद ये अब ये सपना शची माता ने देखा, कहते ये कैसा सपना था। तो फिर गौर ने था एक दूसरी को देखे और मुस्कुराए कि वो जो कृष्ण बलराम और कोई नहीं, हम ही तो हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं बलराम जी के साथ आते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं, उनको मारते भी हैं, लेकिन अब श्री गौर आए हैं तो अब यह करने वाले हैं, ये हमारी दुष्टता की जो प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने के लिए आए हैं, ऐसे हैं श्रीमान नित्यानंद प्रभु। और इसलिए जब जगाई मधाई का उद्धार हुआ, तो जगाई मधाई की उद्धार की जो लीला है उसका वर्णन सारा डिस्क्रिप्शन पहुंचा यमराज जी के पास। ऐसे यमराज जी के पास जो यमदूत थे वो ओवर टाइम काम कर रहे थे, मतलब वीकेंड से भी काम कर रहे थे, क्योंकि इतने पाप करते थे जगाई मधाई कि उसको नोट डाउन करने के लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता था। वाइफ बोलती थी टाइम नहीं देते मेरे को, शादी किसने की थी, जब समय नहीं है तो क्यों 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 शादी की थी तुमने, क्या करें जगाई मधाई इतने काम, इतने ज्यादा पाप करते हैं कि हमें इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्या करें, व्हाट टू डू। लेकिन जब वो गए स्टॉक देखने के लिए, सारा स्टॉक खलास, यमराज जी को आगे बताया यमराज जी हमारी नौकरी तो गई, क्यों क्या हुआ? तो वो हुआ क्या ना, जगाई मधाई के लिए जो हम सारा काम करते थे, उनके पापों को लिखते थे, सारा अकाउंट गायब हो गया, क्योंकि ना वो नित्यानंद प्रभु नाम का कोई व्यक्ति है और महाप्रभु ने मिलकर के ना सारे उनके पाप नष्ट कर दिए, दोनों के दोनों वैष्णव बन गया, ब्रह्मचारी बन गया। यमराज ने कहा क्या, श्रीमान नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई मधाई का उद्धार हो गया, श्री श्री गौर नित्यानंद की कृपा से जगाई मधाई का उद्धार हो गया, जो कि ऐसा कोई पाप नहीं था जो नहीं करते थे, और उनके लिए तुमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, उनका कल्याण हो गया नित्यानंद प्रभु के पास, जाय हो ये सोच के। तो उसके बाद इन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया यमराज जी ने। इसके बाद यहाँ बलराम ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी का क्या हो गया यमराज, इतना प्रसन्न है तो मैं तुमको कभी नहीं देखा, प्रभु
वो जगह ही बधाई देना, उनका कल्याण नित्यानंद प्रभु ने कर दिया अपनी कृपा से। ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा क्या? उसके बाद तो ब्रह्मा जी ने नृत्य करना शुरू कर दिया। फिर शिव जी आए, उन्होंने पूछा क्या हो गया भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हें बताया वो जगह ही बधाई का कल्याण हो गया गौ नेताई से, उनका कल्याण हो गया। शिव जी ने डांस करना शुरू कर दिया। वहां गणेश और कार्तिक आया, उन्होंने कहा पापा क्यों डांस कर रहे हैं, पूछो भाई क्या हो गया। अरे जगाई मधाई का कल्याण हो गया, गौ नेताई ने कल्याण कर दिया उनका, गौ नेताई ने जगाई मधाई का कल्याण कर दिया। उसके बाद तो गणेश और कार्तिकेय ने नृत्य करना शुरू कर दिया। शुक्रदेव गोस्वामी आए, उन्हें भी नृत्य करना शुरू कर दिया। नवगेंद्र आए, उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। सप्तऋषि आए, उन्हें नृत्य करना शुरू कर दिया। नाग मुनि आए, उन्हें नृत्य करना शुरू कर दिया। इंद्र आए, उन्होंने भी नृत्य करना शुरू कर दिया। जितने भी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता, सबने नृत्य करना शुरू कर दिया, कीर्तन करना शुरू कर दिया। अरे जगाई मधाई का कल्याण हो गया, उनका तो कोई होप ही नहीं थी, अद्भुत। तो इसलिए ऐसे हैं श्रीमान नित्यानंद प्रभु जो भर भर के सेवा करते हैं। ही इज अ मार्केटिंग एजेंट ऑफ श्री गौरंग महाप्रभु। महाप्रभु आए हैं, उनकी मार्केटिंग कौन करेगा? नित्यानंद प्रभु। जो उन्होंने जगाई मधाई को देखा था ना, उनके मन में यही आया था कि औरों कल्याण होता है, इतनी मार्केटिंग नहीं होती। अगर जगाई मधाई तर जाएंगे ना, महाप्रभु की कृपा की महिमा और फैल जाएगी। सो ही थिंक्स लाइक अ मार्केटिंग एजेंट ऑफ श्री गौरंग महाप्रभु, क्योंकि कृपा कैसे फैलानी है। ही सो डेस्परेट टू गिव मर्सी ऑफ द लॉर्ड श्री गौरंग महाप्रभु कि इवन तालाब के अंदर मगरमच्छों को देखते हैं तो तालाब के अंदर कूद जाते हैं और मगरमच्छ का आलिंगन करके बोलते हैं, ए मगरमच्छ तू हरे कृष्णा बोल, तू श्री गौरंग महाप्रभु का नाम बोल। और उनकी कृपा इतनी शक्तिशाली है, वो मगरमच्छ भी बोलता है गौरंगा 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 हरे कृष्णा। तो यूथ फोरम तो हमने भी खोला है, मगरमच्छ फोरम से एक ही व्यक्ति खोल पाया, और वह है नित्यानंद प्रभु। ऐसे हैं, क्या कृपा है उनकी नित्यानंद प्रभु की। सो इज वेरी वेरी डेस्परेट टू स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ द मर्सी ऑफ श्री गौरंग महाप्रभु। तो अब देखते हैं इस प्रकार से भगवान की लीलाओं में देयर इज इंटरकनेक्शन, कि कुछ लीलाएं जो है रामचंद्र जी के रूप में है वो कृष्ण लीला में भी आती है और फिर महाप्रभु की लीलाओं में भी आ रही है। सो देयर इज इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द लीलाज। जैसे हम देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं में सीता मैया आई, तो देखा राम जी जो अपने साथ धनुष मार लेके चलते हैं, तलवार भी लेके चलते हैं। तो एक बार पूछा कि देखिए रामचंद्र जी आप वनवासी वेश में हैं, वनवासी वेश में मिसाल के साथ में तलवार भी ली हुई है आपने, लेकिन साथ में धनुष मार भी आपके पास, तो ठीक नहीं है। वनवासी वेश मतलब साथ में कमंडलू होना चाहिए, जपमाला होनी चाहिए बस। राम जी ने कहा देखो सेवा करनी होती है संत महात्माओं की, इससे जरूरी है। और जब भी राक्षस वगैरह आते थे उनको अंदर भेज देते थे, बाहर इनका सलाद बना करके कल्याण करते थे रामचंद्र जी। तो अगली बार जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो भी मारते तो है, लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं करते, हाथ से ही मारते थे। किसी को मारा, एक मारा उसको मर गया, वो दर्जी है नहीं दे रहा कपड़ा, नहीं दे रहा, अकड़ू अकड़ू हो रहा है, बलराम जी का अपमान करना है, दे मारा मर गया वो। तो उसकी तो भी भगवान की जो कृपा शक्ति, उन्होंने बोला अभी भी आप मार रहे हो? हाँ, तो मैंने बोला था अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना ना, ऐसे तो मार देता हूँ। भगवान ऐसे ही मारे थे, चाणूर मुश्किल क्या है उनके मरोड़ी हाथ हाथ मरोड़े मार दिया, कंस एक घूसा मारा। ये तो मूवी में दिखाते हैं कृष्ण जो है उनको मार रहे हैं, फिर एक घूसा पड़ेगा ऐसे, अगर 5 एपिसोड तो निकल ही जाते हैं कम से कम। ऐसा नहीं हुआ, एक घूसा मारा भगवान ने कंस को। तो भगवान अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं उनको, तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उन्होंने कहा भाई अगर इनको अस्त्र शस्त्र के लिए मना करो, अस्त्र शस्त्र तो हटा देते हैं लेकिन वैसे फिर भी मार रहे होते हैं, मेरे को ना इनके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा ताकि ये किसी को मारे ना लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को मारे। तो इसीलिए भगवान की अंतरंगा शक्ति भगवान के अंदर प्रवेश करे कि अब ये किसी को मारेंगे नहीं लेकिन हाँ सबकी पाप करने की जो प्रवृत्ति है ना उसको मारेंगे ऐसा। तो इसीलिए भगवान की जो अंतरंगा शक्ति अंदर भी है और बाहर कॉम्प्लेक्शन के रूप में भी है। तो भगवान की लीलाएं हैं यार इंटरकनेक्टेड। जैसे राम जी की जो लीलाएं हैं तो उन्होंने लिया एक पत्नी व्रत, तो उनकी थी हालांकि एक पत्नी माता सीता, लेकिन एक और पति थी जो कि संग नहीं कर पाए उनका, उनका नाम था छाया सीता। तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी, जिससे महाप्रभु लीलाओं में उनकी दो पत्नियां हुई, लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया, एक छाया सीता और एक आदि सीता। लीलाज आर इंटरकनेक्टेड। इसी प्रकार से देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं में एक भक्त थी, उन्होंने तपस्या की थी कि रामचंद्र जी को प्राप्त करेंगी पति के रूप में, लेकिन रामचंद्र जी का ना इस अवतार में एक पत्नी व्रत था। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इतनी अगर इच्छा है, मैं जब लंका से वापस आऊंगा अगर तुम मुझे पहचान गई तो तुम्हें स्वीकार करूंगा अगले अवतार में, लेकिन अगर तुम नहीं पहचान पाई देन यू विल लूज मी। तो राम जी आए लेकिन पहचान नहीं सकेंगे, तो बड़ी दुखी थे, मैंने तपस्या की लेकिन मैं आपको पति रूप में प्राप्त करूंगी। उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो उन्होंने कैसी इच्छा पूरी की? उन्होंने इच्छा पूरी की उनकी करेंगे वैसे कल की अवतार के रूप में। तो कल की अवतार में फिर ये आती है पद्मावती के रूप में छाया सीता, और छाया सीता तो इसीलिए भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ था,
वो दूर दूर रहेंगे। तो क्योंकि जो आदि सीता है वो तो हो गई अग्नि परीक्षा में, रावण ने हरण किया तो तब तो अग्नि के साथ है, लेकिन छाया सीता उसका अपहरण हुआ, छाया सीता को भगवान का सानिध्य तो प्राप्त हुआ नहीं, तो इसे फिर इनको सानिध्य देने के लिए फिर कल के अवतार के रूप में पद्मावति के रूप में आती। तो अभी आप देखते हैं वैष्णो देवी जो है बेसिकली पंडित के रूप में वहां पर, ये योग माया है, महामाया नहीं है। लोग अपनी भौतिक इच्छा लेके जाते हैं बात और है, लेकिन जब कल के अवतार आते हैं तो यही फिर नीचे उतर के आती है पद्मावती। और जिस तरह कल के अवतार के पास होता है सफेद रंग का घोड़ा, हाथ में होती है तलवार और वो भगवत गीता नहीं सुनाते, वो सिर्फ कल्याण करते हैं, उसी प्रकार से उनके पास भी होता है, पद्मावती के पास भी होता है व्हाइट घोड़ा, हाथ में होती तलवार और ये भी साथ में सलाद करके कल्याण करते हैं। नो भगवदगीता, सो लीलास आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ऐसा होता है। तो जो भगवान की इच्छा है, अगर भगवान की कोई इच्छा पर्टिकुलर इच्छा अगर पूरी नहीं होती तो भगवान फिर अगले अवतारों पूरी करते हैं। जैसे कि अगर नरसिंह भगवान के रूप में जब उन्होंने प्रहलाद को गोद में बिठाया और प्रहलाद को जब गोद में बिठाकर उनको चाटा, तो सो ही वाज शावरिंग पेरेंटल अफेक्शन टू प्रहलाद, तो उनके मन में इच्छा है कि ये वासर रस बड़ा अद्भुत होता है, इसका पान भी हमें करना चाहिए, तो क्या करेंगे, ठीक है अगली बार जब मैं आऊंगा तो माता पिता अवश्य स्वीकार करूंगा। जैसे त्रेता में जब भगवान राम के रूप में आए तो उन्होंने फिर माता पिता स्वीकार किया, और ऐसे माता पिता स्वीकार किए दशरथ भी हैं, तीन तीन माताएं, कौशल्या सुमित्रा कह गई तीन तीन माताएं, वासल रस की पूर्णता हुई यहाँ पर, और साथ में सीता मैया भी हैं तो इसलिए विवाह भी हुआ, माधुर रस का आस्वादन भी हुआ, वंडरफुल। लेकिन ना इसने परख या रस उसका आस्वादन नहीं किया रामचंद्र जी के रूप में, तो वो इच्छा पूरी करने के लिए फिर भगवान कृष्ण के रूप में आते, क्योंकि भगवान कुछ ऐसे भक्त भी है जो कि विवाह वाला रिश्ता नहीं चाहते भगवान के साथ, विवाह वाला रिश्ता नहीं कहते हैं, विवाह के अलावा वाला जो रिश्ता होता है वो वाला रिश्ता, प्रेमिका वाला रिश्ता, तो राम जी वाली इच्छा पूरी नहीं करते, कहते वो रस मैं प्रकट नहीं करता, वो कृष्ण रूप में सारे रस प्रकट होते हैं। इसीलिए उसमें दंडकारण्य जो फॉरेस्ट था वहां पर जो ऋषि मुनि थे वो राम जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनको मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं इसमें तो एक पत्नी रहता, नॉट पॉसिबल। तो यही ऋषि मुनि थे जो कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में वो गोपियां बने जिनकी भगवान ने वस्त्र धारण किया, उनको पति के रूप में स्वीकार किया। कई लोग आपत्ति जताते हैं इस बात की, ऐसा कैसे थे कपड़े चुरा लेना लड़कियों के गोपियों के, कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत। अरे भाई पत्नी सिर्फ पति के आगे ही निर्वस्त्र हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उनको निर्वस्त्र रूप में जब बाहर लेकर के आए इस तरह से उनको पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन छुआ नहीं, कोई गलत हरकत नहीं की उनके साथ। वैसे देखा जाए हालांकि भगवान को किसी का अगर कुछ देखना भी हो उनको तो कपड़े उतारने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद कणकड़ में है, तो इवन गोपियों के रोम रोम में कौन बसे हैं, भगवान बसे हैं, तो क्या भगवान को किसी कपड़े उतारने की जरूरत है। इवन एक्सरे मशीन ही किसी हड्डियों को देख लेती है, जब एक्सरे मशीन के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अंदर का सब कुछ देख ले तो क्या भगवान एक्सरे मशीन से कमजोर है, नहीं। तो भगवान तो गोपियों के भी कण कण में रोम रोम में है, तो उनको तो जरूरत ही नहीं कि भाई पहले कपड़े हटेंगे तो हम कुछ देख पाएंगे, और भगवान आत्मा राम है, तो इसलिए भगवान के पहले तत्व को जाना चाहिए फिर लीलाओं में जाना चाहिए। जो लोग सीधे लीला में जाते हैं फिर कंफ्यूज होते हैं, अरे ऐसा कैसे, ये तो बड़ी बेशर्मी की बात होगी, सर तत्व क्लियर है आपको है, तत्व तत्व कौन है भाई, इसीलिए कंफ्यूजन होती है। तो भगवान की ये लीला भी कनेक्टेड है कि किस प्रकार से भगवान ने गोपियों की इच्छा, वो उन साधुओं की इच्छा पूरी की जो कि माधुर्य रस में भगवान की सेवा करना चाहते हैं ऐसा। तो फिर ये गोपियां आती भगवान को पति रूप में, अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं। अब यहां पर ऐसा तो हो गया भगवान ने परक या रस का भी यहां आस्वादन किया, लेकिन जो गोपियों का प्रेम है इतना अद्भुत प्रेम है, इतना दिव्य प्रेम है कि वैसे हालांकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि ये यथा माम प्रबद्यन्ते ताम सेव भजामि हम, कि जो जो जिस जिस अनुपात में मेरे शरणागत होता है मैं उसी उसी अनुपात में उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूं। लेकिन गोपियों के साथ भगवान रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे, गोपियां इतना प्रेम करती हैं भगवान से, इतना प्रेम। जैसे होता है ना अगर कोई व्यक्ति से हमने उधार लिया हुआ है ठीक है, जब भी वो सामने दिख जाता है ना तो आप बड़े एम्बेरस होते हो, उधार लिया हुआ है मान लीजिए विज्ञान मेरे पूछ मैंने उधार लिया हुआ है, तो जब भी सामने दिख जाएंगे तो आंखें चुराऊंगा मैं, नमस्ते कर दूंगा नमस्ते जी, फिर यहाँ निकल लेंगे वहां निकल लेंगे, उधार चढ़े जाए फिर तो भाई सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती, भाग लो यहां से। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों को प्रेम के साथ पूरी तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे तो इसलिए उनको वृंदावन छोड़ के जाना पड़ा कि भाई यहाँ इतनी उधारी चढ़ चुकी है कि क्या ही मुंह दिखाएं। जैसे सो कृष्ण चलेगा मथुरा, चलेगा मथुरा, चलो भाई यहाँ तो इतना उधार चढ़ गया है सुना पा रहे हैं हम, आई कैन नॉट रीपे योर डेट। तो कृष्ण वैसे ही किसी भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं उसके प्रेम के अनुसार, लेकिन यहाँ तो भक्तों आ रहे हैं इतना प्रेम। अगर काम गायत्री देखे ना, काम गायत्री का जो मीनिंग है जो गायत्री करते हैं वो पूरी तरह से यही बताता है कि कृष्ण किस प्रकार से उनके प्रेम को हैंडल नहीं करते, कि स्वयं भले कामदेव के रूप में है और पुष्प के बाण अगर वो चलाते भी हैं गोपी, और उसके बाद जो गोपियों का प्रेम इतना बढ़ जाता है कि ये अनंग हो जाते हैं, मानो कि इनको अपने अंगों का ही होश नहीं रहता, ही बिकम्स
अनकॉन्शियस. सुप्रीमली कॉन्शियस चैतन्य भगवान इज अनकॉन्शियस एक्सटर्नली. इंटरनली इसे तारे इतना प्रेम है तो गोपियों का अद्भुत. तो ये भला मैं रेसिप्रोकेट कैसे कर पाऊंगा इनके साथ. इसीलिए उनके प्रेम का बखान करने के लिए और उनके प्रेम के भाव का आस्वादन करने के लिए ही कम्स है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. तो इसीलिए जिस तरह से बलराम जी को बोलते हैं हम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड एंड कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, उस तरह से श्रीमन महाप्रभु इज सुप्रीम परफेक्शन ऑफ गॉड हेड. ये सुप्रीम परफेक्शन है, ये अपनी पूर्णता में भगवान तक पहुंचते जब वो आते हैं श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में, देन ही रीचेस हिज परफेक्शन. और ये तत्व इतना गहरा है कि आप ये तत्व कहीं नहीं सुनेंगे. सभी सुनते हैं अरे प्रभु तो, लेकिन प्रभु भी यहां विनम्र होकर के यहां सोचे कि कैसे मैं रेसिप्रोकेट करूं. ये बात सिर्फ और सिर्फ गौड़ीय वैष्णव भक्तों में और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में ही मिलती है. सो ही बिकम्स कंप्लीट इन द फॉर्म ऑफ श्री गौरंग महाप्रभु. सो द सुप्रीम पर्सनैलिटी रीचेस इट्स परफेक्शन एज श्री गौरंगा. ऐसे ही ऑल लीलाएं भी हैं विच आर हैविंग इंटरकनेक्टिविटी. जैसे इस समय कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए जब आ रहे थे तो लेट, क्योंकि घड़ी पहनते नहीं वो. ऑल द हिस्से कालो इसमें आई एम टाइम, लेकिन टाइम से पहुंचना ही नहीं. जब टाइम से पहुंचना ही नहीं तो बस अब श्रीमती राधा रानी अंदर निकुंज में है, क्रोधित है, बाहर बैठी ललिता सखी. तो कृष्ण दौड़ते हुए पहुंचे, ओ राधा से मिलना था. ललिता ने कहा शराब, यू टेक हर सो चीपली, हमेशा लेट, कभी टाइम से नहीं आते. नहीं मिलेंगे श्रीमती राधा रानी. अरे ऐसा मत बोलो ललिते, जाने दो हमें, थोड़ा लेट हो गए तो क्या हुआ, देर आए दुरुस्त आए ना. बिल्कुल नहीं, मुहावरे ना लगाना यहाँ पर, बिल्कुल नहीं. ऐसे अच्छा बता दो, हमारा मैसेज तो दे दो कि हम आ गए. उसको जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं. कहते यहीं खड़ा रहे, अंदर नहीं आ रहा. लेट दस सके अंदर गई, अंदर गई, बताया श्रीमती राधा रानी को कि ना आया वो लेट लतीफ कृष्णा. तो श्रीमती राधा रानी का ठीक है, उसको तीन कंडीशन दो, अगर बोलेगा हाँ तो मिलेंगे हम उससे. ललिता सखी बाहर है, उन्होंने बोला तीन कंडीशन बोली हैं श्रीमती राधा रानी ने मिलने से पहले. पहली कंडीशन, तू नखरे से दिखाते हुए ना तेरे को अपने रूप रंग में बड़ा घमंड है, बड़ा सुंदर है तू, छैल छबीला है तू, हैं तेरे बड़े घुंघराले बड़े सुंदर बाल तेरे हैं और तेरा वेश बड़ा आकर्षक, राजकुमार बनता फिरता है तू. ये वेश जिसका तुझे घमंड है, घमंड नहीं आ, ये वेश जिसका तुझे घमंड है त्यागना होगा, संन्यास वेश धारण करेगा तू. क्या करें, रेडी, बिल्कुल. और ये जो तेरे बाल है ना, तेरे घुंघराले सिल्की बाल, केश मुंडन शिखा रखेगा तू, तैयार कि नहीं. कृष्ण का तैयार, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल. या थर्ड कंडीशन, जब कोई बद्ध जीवात्मा तेरे पास आएगी तो परीक्षा नहीं लेनी उसकी, परीक्षा वन परीक्षा टू परीक्षा थ्री, परीक्षा दे देकर तेरे भक्त बेचारे थक जाते हैं, इसीलिए कोई परीक्षा नहीं. कृष्ण का रेडी, रेडी. कोई आएगा उसकी कमियों के साथ मैं उसको स्वीकार कर लूंगा. अब तक मैं ये कहता था पहले समर्पण करो फिर कृपा लो, लेकिन मैं पॉलिसी चेंज कर रहा हूं. मैं बोलूंगा चल भाई पहले कृपा लो बाद में थोड़ा समर्पण भी कर देना. डन. जब तीनों पर टिक लगे तब जाके अंदर जाके बोला श्रीमती राधारानी, तीनों कंडीशन मान गए वो, तो जाके श्रीमती राधारानी मिली उनसे. और यही ये कौन सा रूप है जब आते भगवान श्री कृष्ण केश मुंडित करा करके, राजकुमार का वेश छोड़ करके, सन्यासी बन करके श्रीमती राधारानी के प्रेम का बखान करते हैं वो. ये ललिता सखी ने एक और कंडीशन बोली थी कि हमारी श्रीमती राधारानी का प्रेम का बखान करना होगा तेरे को, तैयार ही नहीं करता, बिल्कुल करेंगे जी. तो सो श्रीमती राधारानी का प्रेम का भाव क्या है ये समझाने के लिए, इसका बखान करने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं श्री गौरंग महाप्रभु. ऐसा ऐसे इमली तला में जो बड़ी सुंदर लीला होती है भगवान श्री कृष्ण की, किस प्रकार से श्रीमती राधारानी ने उनकी बंसी को चुरा लिया, तो विरह भाव में है कृष्ण कि श्रीमती राधारानी ने उनकी बंसी को चुराया है. तो उनके भाव में वो स्मरण करते 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 ही ऑल्सो बिकेम गोल्डन. तो श्रीमती राधारानी जो अपने हाथ में वंशी लेकर के आई, कृष्ण को देखा ये इमली तला वहां तो ऐसे सुदबुद खोए हुए लेटे हुए हैं और कॉम्प्लेक्शन कौन सा उनका, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन. कहते कृष्ण ये तूने कौन सा रूप धर लिया भाई, तू तो श्यामवर्ण का है, ये गोल्डन कॉम्प्लेक्शन ये कौन सा वाला रूप है. श्रीमती राधारानी के बारे में स्मरण करते करते कृष्ण एक्वायर्ड दैट गोल्डन फॉर्म. और फिर महाप्रभु ने, और फिर कृष्ण ने कहा कि मैं महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण लीला जब आऊंगा कलयुग के अंदर, देन आई विल एग्जिबिट दिस फॉर्म, तब इस ये जो फॉर्म है इसको मैं प्रकट करूंगा. ऐसा ऐसे श्रीमती राधा रानी उनको एक समय यशोदा, उनको कई बार यशोदा मैं बुलाया करती थी अपने आप कुकिंग करने के लिए. और मनी मन वो चाहती थी कि मेरे घर की मैं अगर बहू बने तो राधा ही बने. तो एक समय उन्होंने इस तो प्यार प्यार में क्या किया, हल्दी ली और हाथ लगा दी, मानो हाथ तो पीले तभी होते हैं जबकि बहू रानी बनती है,
तो इसलिए हाथ पीले कर दिए श्रीमती राधा रानी के। श्रीमती राधा रानी बड़ी खुश हुई कि ना यशोदा मैया उनको इस भाव में देखते हैं क्या, हाथ में हाथों में हल्दी लगा दी हाथों सुना है। लेकिन तभी सोची लेकिन मैं वापस जाऊंगी तो ये ब्रजवासी वाला क्या बोलेंगे। तो गई वहां पर एक कुंड में जाकर के अपने हाथ धुलिए कि भैया नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, हाथ धुलिए अपने अभी हाल क्या लगा पीला पीला लेकिन हल्दी से तो हाथ धोए कम से कम, नहीं तो लोगेंगे तूने हाथ पीले कर लिए कहाँ कब कैसे किससे। और कृष्ण ने भी क्योंकि जब इसी कुंड में जब स्नान करके आए पीले पीले हल्दी उनके ऊपर लगी हुई ना हो कृष्ण वाला उसने येलो फॉर्म, तो गोपियां समझने लगी देख तेरा तेरा क्या हाल होगा, तू तो श्याम वर्ण का था तू कौन से तेरे तू तो पीत वर्ण का हो गया ऐसा कैसे, लेकिन तू कितना सुंदर लग रहा है इसमें इस येलो कॉम्प्लेक्शन में तू कितना सुंदर लग रहा है। तो कृष्ण का मैं ऐसे ही एक रूप को प्रकट करूंगा जब कलयुग आता है तो मैं ऐसे ही इस रूप को मैं प्रकट करता हूँ। और कौन सा रूप है, श्री गौरंग महाप्रभु का। तो इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं दे आर हैविंग इंटरकनेक्टिविटी, किसी भक्ति को इच्छा हो वो पूरी करने के लिए या भगवान की खुद की इच्छा हो वो पूरी करने के लिए। जैसे बलराम जी की लक्ष्मण जी की इच्छा थी, बलराम जी की जो इच्छा थी फाइनली उनकी सारी इच्छा कब पूरी हुई, जब वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तो उनकी इच्छाएं पूरी हुई। तो हम देखते हैं इस प्रकार से भगवान की लीलाओं के अंदर भगवान का भक्तों का आपस में बहुत ही सुंदर आदान प्रदान है। चैतन्य शताब्दी में आता है कि वास्तव में जब भक्त और भगवान है और उनका आपस में प्रेम है, असल में उन लीलाओं के अंदर ना तो कृष्ण कंट्रोल में है ना भक्त कंट्रोल में है। कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कृष्ण प्रेम है विच कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम। कृष्ण प्रेम ही कंट्रोल करता है किसको, भगवान को। कृष्ण प्रेम ही कंट्रोल करता है किसको, भक्त को। और ये दोनों नाचते हैं कृष्ण प्रेम में, तो फिर कृष्ण प्रेम क्या करता है, फिर कृष्ण प्रेम भी इनके साथ नाचता है और तीनों एक साथ नाचते हैं, भक्त भी भगवान भी और कृष्ण प्रेम तीनों एक साथ नाचते हैं, ऐसा होता है। तो इसीलिए भगवान की जो लीलाएं हैं ये एक वास्तव में प्रेम की भावना से भरी हुई है, वेरी ब्यूटीफुल वर्स यहां। कृष्ण र न चाहे प्रेम भक्त र न चाहे, तो कृष्ण न चाहे प्रेम, ये जो प्रेम है कृष्ण को भी न चाहता है, भक्त र न चाहे भक्त को भी न चाहता है ये। आपा ने ना चाहे तीना नाचे इकठानी, और तीनों मिलकर के नाचते हैं। तो इसे नाचना जरूरी है, कुछ लोग नहीं नाचते आउट ऑफ सोफिस्टिकेशन की, देखिए हम बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, प्लीज ये आप लोग नाचिए उड़दम बाजी आपको चाहिए। या कई बार हम जो सीनियर हो जाए तो भी डांस नहीं करते, अब सीनियर हो गए ये पीले कपड़े वाले हैं इनको नचा जा बेटा डांस। तो जूनियर को डांस कराते नहीं, सीनियर अक्सर डांस नहीं करते, वो कहते हैं हम सीनियर हैं अब गंभीरता का जीवन जीना चाहिए, इसलिए एक एक ठहराव जरूरी। सीनियर होने का मतलब है सीनियोरिटी इन ह्यूमिलिटी एंड सीनियोरिटी इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल्सो, वो भी होना चाहिए। तो इसीलिए वास्तव में भक्ति जो की जो दुनिया है वो नाचने की है, यस। और नाचना जो है एक किस प्रकार से इट्स अ डिवाइन क्वालिटी। तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ रस की परिपूर्णता में आते हैं, इवन उसमें अलग अलग लीलाओं में भी जाना पड़े भगवान को, भगवान ऐसा करते हैं। एंड दैट इज द परफेक्शन ऑफ कृष्णा मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज लीला। और यहां पर आज हमने चर्चा की नित्यानंद राम किस प्रकार से उनकी लीलाएं पूर्ण होती हैं व्हेन ही कम्स एज लॉर्ड नित्यानंद। तो जो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी एज लक्ष्मण उन्होंने पूरी की एज बलराम, और जो दोनों में पूरी नहीं हुई थी जो बच गई थी वो भी पूरी कर डाली एज लॉर्ड नित्यानंद। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।